तो आज की वीडियो में हम डीसीएस के बारे में जानेंगे जिसका मतलब होता है distributed control system. और समझाएंगे जो डीसीएस में जानना बहुत जरूरी है जिससे आप उसको अप्लाई कर सकते हो एक फील्ड में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंस्ट्रूमेंटेशन और एक ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए जिससे आप लोग इस कंसेप्ट और इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के लिए थैंक यू वेरी मच रिशभ फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल इस चैनल पे मुझे इंग्लिश में बात नहीं करनी ऑल दो कि मेरे आई टी एंड ऑटोमेशन अकेडमी जो मेरा मेन यूट्यूब चैनल है इफ़ यू हैवेंड वॉच इट दैन यू कैन हैव अ लुक एट दैट लेकिन आज के हम इस सेशन में ये अंडरस्टैंड करेंगे कि डी सी एस सिस्टम है क्या पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि सेंट्रलाइज कंट्रोल क्या है और डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल क्या है जब आप सेंट्रलाइज कंट्रोल की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके पास एक कंट्रोलर है और आपके पास प्लांट में तीन यूनिट्स हैं फॉर एग्जांपल एक यूनिट ए है यूनिट बी है यूनिट सी है तीनों यूनिट्स एक ही कंट्रोलर से आपके कंट्रोल हो रहे हैं उसमें इशू क्या आता है कि अगर आपका वो कंट्रोलर फ़ेल हो जाता है किसी भी वजह से इट कैन बी अ पावर इशू कोई और इशू हो सकता है जिस वजह से वो आपका कंट्रोलर काम करना छोड़ देता है वॉट वुड हैपन उस कंट्रोलर के साथ एसोसिएटेड तीन यूनिट्स हैं तीनों के तीनों उसी वक्त बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे और होल प्लांट यू कैन से दैट वो काम करना छोड़ देगा अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड का मैकेनिज्म आया जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल में क्या होता है कि आप एक कंट्रोलर पर रिलाई करने के बजाय आप तीन यूनिट्स हैं ना आपके तो तीन यूनिट्स के लिए एक एक लेदा लेदा से कंट्रोलर लगा देते हैं अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम की बात नहीं हो रही आई एम टेलिंग यू दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने अपने कंट्रोलर्स को डिफरेंट एरियाज़ में अलग-अलग से एक एक कंट्रोलर ले लिया एंड ईच कंट्रोलर इज़ एक्चुअली टेकिंग केयर अबाउट दैट स्पेसिफिक एरिया अब इसमें फ़ायदा क्या है अगर आपका वो कंट्रोलर किसी वजह से फेल हो जाता है देन उसका इफेक्ट दूसरे फॉर इंस्टेंस आपका यूनिट बी का कंट्रोलर फेल हो गया है ए और सी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला दे वुड बी स्टिल रनिंग ठीक है तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल लेकिन इसके अंदर कुछ और स्पेशलिटी भी है जो कि हमने देखना है कि पीएलसी के होते हुए डीसीएस की जरूरत क्यों पड़ती है सबसे पहले हम पीएलसी सिस्टम की बात करें तो पीएलसी इज जस्ट अ कंट्रोलर उसके अंदर विजुअलाइजेशन का अपना बिल्ट इन कोई टूल नहीं होता पीएलसी के पैकेज में नहीं होता लेकिन डीसीएस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो डीसीएस के अंदर उसके अंदर, उसके अंदर उसके अंदर उसी सिस्टम के अंदर डीसीएस सिस्टम के अंदर ऑपरेटर स्क्रीन भी हैं जो कि डिस्प्ले करी है ग्राफिक्स यू डोंट नीड ए सेपरेट एच एम आई टू विजुलाइज on गोइंग ऑन इन द प्रोसेस आपके एक प्रोसेस में क्या चल रहा है उसके लिए आपको ये नहीं चाहिए कोई लहजा से एच एम आई नहीं बाई करनी है आपने बल्कि आपके पास एक एच एम आई ऑलरेडी बिल्ट इन आपके डी सी एच सिस्टम में ऑपरेटर स्क्रीन्स हैं अब ये जो बात है आपकी पी एल सी मैके पी एल सी सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है और उसके अलावा जो पी एल सी सिस्टम है दीज आर मेड फॉर डिस्क्रीट ठीक है डिस्क्रीट आयोज जहाँ पे जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहाँ पे डिस्क्रीट आयोज बहुत ज़्यादा होती हैं देर यू कैन एक्चुअली यू नो सी पी एल सीज टू मच फिर उसके अलावा अगर हम डी सी एस सिस्टम की बात करते हैं तो डी सी एस सिस्टम इज़ मोर इन वेयर यू हैव अ कम्प्लेक्स कंट्रोल एनोलाग लूप्स जैसे कि हम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री की पावर प्लांट जहाँ पे एनोलाग लूप्स बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं एंड यू माइट सी लॉर ऑफ पी आई डी उधर आपके पास टी सी एस सिस्टम बना ही उसके लिए सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपका सबसे डाउन लेयर पे इंस्ट्रूमेंटेशन है आपका फील्ड लेवल है फील्ड लेवल पे क्या होता है अगर इफ़ यू कैन सी माई कर्सर तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रोमेंटेशन हैं यहाँ पे वी एफ डीज हैं यहाँ पे डिफरेंट कंट्रोल वॉल्स हैं यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस कंडीशन हैं और उनकी प्रोसेस की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेस्ड टू कंट्रोल राइट सेंस करना है सबसे पहले फिर उसके बाद दीज कंट्रोल पैरामीटर्स आर एक्चुअली फेचिंग टूर्ड्स योर डी सी एस सिस्टम डी सी एस सिस्टम का काम कंट्रोल करना भी होता है और इसके अलावा इसको सुपरवाइज आप कर सकते हैं थ्रू योर ऑपरेटर स्क्रीन्स लेकिन सर लेट्स स्टार्ट विद द इंस्ट्रूमेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे इन प्लेस हैं

सेम इसी तरीके से डी में भी आई कार्ड्स होते हैं इनपुट कार्ड्स होते हैं आउटपुट कार्ड्स होते हैं एंड यू गेट द डेटा फ्रॉम फील्ड इंस्ट्रोमेंटेशन जैसे टेम्परेचर प्रेशर लेवल फ्लो ये एनालॉग इनपुट कार्ड्स के साथ कनेक्ट होंगे कोई डिजिटल सिग्नल आ रहा है जिस तरीके से पी में आप उसको डिजिटल इनपुट कार्ड के साथ कनेक्ट करते हैं सेम वे अराउंड यहाँ पे भी आप इसको डिजिटल इनपुट कार्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ओके okay? सो so, वो कॉन्सेप्ट सेम है जैसे कि पी में आपके पास पावर सप्लाई है इनपुट कार्ड है आउटपुट कार्ड है वहाँ पे एक्सटेंशन मॉड्यूल्स हैं सेम वे अराउंड यहाँ पे भी सेम हार्डवेयर है अब यहाँ पे सिग्नल जो फील्ड से आया वो आपके आपके डी कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो जाता है ये जो है इंस्ट्रोमेंटेशन आपकी डाउन द लेयर है उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कंट्रोल नेटवर्क है कंट्रोल नेटवर्क क्या है विच कनेक्ट्स डिफरेंट कंट्रोलर्स जितने भी कंट्रोलर्स हैं ये सारे इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है अगर आप मेरा कर्सल देख रहे हैं यहाँ पे, तो यू वुड बी डेफिनेटली एबल टू सी दैट कि ये एक कंट्रोलर ए है ये बी है ये सी है जैसे कि हम इनिशियली बात कर रहे थे हमने एक यूनिट के लिए लहदा लहदा कंट्रोलर लगा दिया है हमने अपने टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन थ्री डिफरेंट यूनिट्स हमने एक कंट्रोलर नहीं बल्कि दो दो कंट्रोलर्स लगा दिए हैं अब ये अब आप बात सुन आपको एक नई टर्म यहाँ पे मिली जो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ी थी कि जो डी सिस्टम्स हैं जो स्पेशलाइज्ड डी जैसे ए है आपके पास उसके अलावा एमर्सन्स का डेल्टा वी सिस्टम है अवेशन का सिस्टम है अमरसन का उसके अलावा आपके पास सीमेंस का पी सी है या आपके पास सबकॉन डी है इस, इस तरीके से काफ़ी सारे डी सी सिस्टम लाइक सेंटम वी इन सारे डी सी एस सिस्टम्स में अगर आप एक चीज़ देखते हैं तो वो कॉमन है वो ये है कि वहाँ पर हर जो यूनिट है उसके अंदर एक कंट्रोलर नहीं होता बल्कि कंट्रोलर्स भी होते हैं लाइक like, एक यूनिट ए है फॉर इंस्टेंस वहाँ पे एक मेन कंट्रोलर होगा एक रिडेंडेंट कंट्रोलर होगा अगर किसी वजह से आपका मेन कंट्रोलर फेल हो जाता है तो योर जॉब वुड नॉट बी स्टक ड्यू टू दैट आपका रिडेंडेंट वहाँ पे उसको वो जॉब को टेक ओवर कर लेगा एंड देन यू वुड बी एबल टू स्टिल कंटिन्यू विद योर ऑपरेशन और ये सारे कंट्रोलर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू वन नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड कंट्रोल नेटवर्क कंट्रोल नेटवर्क क्या करता है विच कनेक्ट्स ऑल द कंट्रोलर्स नॉट ओनली दैट ये आपके एक और नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है जो अगर आप किसी भी डी कंट्रोल रूम में जाएंगे तो आपको ये डिवाइसेज जो आप ऊपर टॉप पे देख रहे हैं तो ये आपको देखने को मिलेंगी अगर आप फील्ड पे जाएंगे तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन और आपको फील्ड पे ये भी कंट्रोल uh, रूम्स में भी आपको ये कंट्रोलर्स और ये कंट्रोल स्टेशन नज़र आएंगे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो दिस इज़ योर कंट्रोल नेटवर्क विच इज़ कनेक्टेड टू योर फील्ड जो फील्ड से डाटा को उठा के जो कंट्रोलर्स हैं इसके साथ यहाँ पे दे आर एक्चुअली शेयरिंग द डाटा ऑन दिस नेटवर्क और ये नेटवर्क आगे इंजीनियरिंग स्टेशन इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन के साथ कनेक्टेड है वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन अगर आपने सीमेंस पीएलसी के अंदर काम किया हो तो आपको पता है कि वहाँ पे स्मेटिक मैनेजर इस्तेमाल होता है वहाँ पे आपके पास टीआ पोर्टल इस्तेमाल होता है आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं इसी तरीके से अगर आप आ, एलन ब्रांड की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं टू तो प्रोग्राम द एल और इसी तरीके से अगर आप एच की बात करते हैं फॉर सीमेंस एच एम आईज़ यू गॉट इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स फ़ॉर दैट लेकिन अगर हम बात करते हैं डी सी सिस्टम्स की तो डी सी सिस्टम में जितनी भी ग्राफिक्स बननी हैं जितनी भी आपकी वहाँ पे जितनी भी लॉजिक की डेवलपमेंट होनी है इस आपके पास सामने यहाँ पे तीन कंट्रोलर्स हैं तो तीन कंट्रोलर्स के अंदर जितनी भी मॉडिफिकेशन होनी है जितनी भी लॉजिक बननी है दैट वुड बी बिल्ड बाय दिस इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन सारी लॉजिक यहाँ पे बनेगी एंड वॉट एवर यू आर सींगयर ऑन दिस इंजीनियरिंग वर्क ऑन ऑपरेटर स्क्रीन्स दिस इज़ ऑल्सो डन हीयर ये भी इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन पे ही ग्राफिक्स बनती हैं वो अलग बात होती है कि वो यहाँ पे आके आप बाद में डिप्लॉय कर देते हैं विच आई वुड टॉक इन डिटेल इन कमिंग सेशन तो इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन का काम ये है कि आपकी ग्राफिक्स को बनाना जो आप स्क्रीनस पे देख रहे होते हैं वहाँ पर कंट्रोल रूम में और इसके अलावा आपकी जो डाउन द लेयर कंट्रोलर जितने भी हैं उनको प्रोग्राम करना फिर उसके बाद हिस्टोरियन है नॉर्मली जो डाटा uh, है आपके पास स्क्रीनस में यहाँ पे डीसीएस सिस्टम्स में वो लिमिटेड स्टोरेज होती है उसकी यू कैन नॉट गेट यू नो प्रवियस डेटा पास्ट में अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने तीन साल पहले जाके देखना है कि फ़िलहान टेम्परेचर की वैल्यू क्या थी उसका ग्राफ क्या था वट वॉज़ द वैल्यू यस्टर डे उसकी क्या वैल्यू थी इफ़ आई डोंट हैव हिस्टोरियन आई कै नॉट स्टोर द डेटा मैं उसको दोबारा पास में जाके नहीं देख सकता तो उसके लिए क्या करना है हमें एक सिस्टम चाहिए जिसको हम कहते हैं हिस्टोरियन हिस्टोरियन एक्चुअली स्टोर यू हिस्टोरिकल डेटा अगर आप उसको फ्यूचर में जाके रेफ़र बैक करना चाहते हैं तो यू वुड बी यूजिंग फॉर श्योर इस्टॉर फॉर दैट रीज़न फिर उसके बाद प्रिंटर फॉर श्योर यू अंडरस्टैंड दैट प्रिंटर इज़ देयर अगर आपने कोई भी प्रिंट लेना है ग्राफ का या किसी भी स्क्रीन का मेमिक का तो यू वुड बी यूजिंग प्रिंटर फॉर दैट फिर आपके पास ऑपरेटर स्क्रीनस हैं जो ऑपरेटर स्क्रीन आपको क्या दिखाती हैं कि आपके प्रोसेस पे क्या चल रहा है टेम्परेचर क्या है फ़्लो क्या है आपकी फलाँ जगह कंट्रोल वॉल कितना परसेंट ओपन हुआ हुआ है ये मोटर कितने आर पी एम पे चल रही है सो so, ये सारी इन्फॉमेसन प्रोसेस की वो आपको ये स्क्रीन्स दिखा रही होती हैं अब आपने तीन चार स्क्रीन्स देखी हैं तो बेसिकली हर एरिया के लिहाज से स्क्रीनस होती हैं जैसे नॉर्मली कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि अगर आपका किसी एक एरिया का प्रोसेस बड़ा हो तो वहाँ एक के बजाय दो स्क्रीन्स भी आ सकती हैं अगर इफ़ यू इफ़ यू रियली वॉन्ट इन लर्न इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न डी सी एस सिस्टम तो आपके पास कौन से ऐसे डी सी एस सिस्टम हैं जो इस वक्त मार्केट में बड़े छाए हुए हैं अगर ऑल आप ऑयल एंड गैस की बात करें तो डेल्टा वी इज़ नंबर वन ऑन दैट यू कैन सी दैट द टॉप अगर आप ए बी बी की बात करें तो पावर प्लांट्स में आपको काफ़ी ए बी बी दिखेगा आप उसके अलावा आप पी सी एस सेवन की बात करें तो सीमेंट प्लांट्स में आपको पी सी एस सेवन बहुत दिखेगा तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आप किस फील्ड में आप, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है उस हिसाब से आप अपना डी सी एस सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास काफ़ी सारी यूट्यूब पे भी चैनल्स हैं विच आर वर्किंग ऑन दैट एमरसन से रिलेटेड अगर आपने वीडियोस देखनी है बी, -बी से रिलेटेड देखनी है तो यू कैन डेफिनेटली विजिट विज़िट अस ऑन आई टी एंड ऑटोमेशन अकेडमीज़ यूट्यूब चैनल फ्यूचर हम uh, कुछ सेशंस ऐसे भी करेंगे जिसके अंदर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको डी के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करनी है उससे रिलेटेड कुछ सेशनस करेंगे फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू कंग्रेजुलेट रिश्व फॉर वट इज़ डूइंग ही इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब बहुत कम ऐसे यंगस्टर्स हैं who आर एक्चुअली इन the डोमेन ऑफ ऑटोमेशन एंड वो आर वो is doing दैट much ऑफ अ ग्रेट वर्क और मेरी तरफ से आपके लिए बहुत नेक ना है कि आप बहुत आगे जाएं और विद डैट नोट आई एम गोना एंड टूडेज डिस्कशन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है यू कैन डेफिनेटली रीच अस ऑन दिस चैनल तो अगर, आप तो तो channel. अगर आपने मेरा चैनल देखा हुआ है तो यू कैन डेफिनेटली रीच मी डेयर अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे पिंक करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम इन्फॉर्मेशन वुड बी ऑल्सो प्रोवाइडेड वी वुड वर्क टुगेदर इन फ्यूचर एज वॉल और हम इसी तरीके से अमेजिंग कुछ

तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में थैंक यू एवरीवन